मेरे देश के वासियों, कब तक बने रहोगे आप भोले भाले, खामोशी के साथ जीने वाले, मदमस्त फटे कपड़े में और मदमस्त बुरे हाल में जीने वालों, आप सबको डॉक्टर दुआ का अभिनंदन। एटीवी अहरा, जिसके माध्यम से आपसे बात होती है और आपसे हम इस उम्मीद में रहते हैं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, दूसरे तक पहुँचाएंगे, ताकि हमारी आपकी बातें अच्छी हो या बुरी, खट्टी हो या मीठी, होता रहे और ये रिश्ता क्या कहलाता है ये बना रहे। आज देश की हालत कैसी है, कैसी होनी चाहिए, अच्छी है या बुरी है, ये सब आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। 196 साल हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन रहा। 196 साल में हमें इतना बदल दिया कि हम आज भी आज़ादी की सांस ले रहे हैं, लेकिन ये खोखली सांस, ये झूठी सांस, ये झूठी बनावटी आज़ादी हमें अंदर से खोखला कर दिया है। हम बेरोजगारी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की आहे भर रहे हैं और हमारे चतुर चलाक जो सांप आस्तीन के सांप हैं वो हमें डस रहे हैं। सही कहें तो करीब 12 यानी एक दर्जन कॉरपोरेट पार्टियां एन केन प्रकांड तरीके से झूठ सच बोल कर करके, एक दूसरे को लॉलीपॉप दे कर करके, अंधभक्तों, जयचंदों, हिजड़ों, दलालों को साथ लेकर करके वो जो है उद्धव उछल कूद मचाते रहते हैं। हमारे अच्छे सच्चे लोग भी जो समझदार हैं, जो अपना मुकाम बना सकते हैं, वो भी उनके जाल में फंसे होते हैं, इस उम्मीद में रहते हैं कि उन्हें भी कुछ जूठन मिल जाएगा। इस तरह से ये जो रीत चली आ रही है, कबीर जी का दोहा, उल्टी देखी रीत जग में, ये उल्टी रीत जहाँ इन्हें सही रास्ते पे चलना चाहिए था, ये सब आस्तीन के सांप के शिकार हो रहे हैं। आज जरूरत आन पड़ी है कि लोकतंत्र को, अपने संविधान को, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उसे आमूलचूल परिवर्तन, व्यवस्था के अंदर जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उसको लेकर जो लोग मजे कर रहे हैं, वीवीआईपी कल्चर चला रहे हैं, अंग्रेजियत का सिस्टम तोड़ो और फोड़ो और न्यायालय, विधायिका, कार्यपालिका सब उसके चंगुल में है और भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता, भारत की भाषा भाषी लोगों को ठगा जा रहा है। उल्टी रीत जो हम सब देखते हैं, उसके विरोध करने की हमें कोई हिम्मत, कोई साहस, कोई उत्साह हमें नहीं दिखता, क्योंकि हम सब इतने
लूट पीट गए हैं, इतने कमजोर हो गए हैं कि जिन्हें आगे बढ़ना चाहिए वो सभी, चाहे दलित हों, शोषित हों, ओबीसी हों, शूद्र हों, या वो कहते हैं कि मैं 85-90% हूँ, उनको सिर्फ और सिर्फ अगर उनसे उनकी समस्या के बारे में पूछें तो वो एक ही जवाब देते हैं कि मुझे कुछ चंद पैसा मिल जाए जिससे मैं अपना जीवन यापन कर सकूं, चाहे मैं चपरासी बन के रहूं, चाहे मैं मजदूर बन के रहूं, लेकिन चंद पैसे मिल जाए जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं। एक कदम बढ़कर के अगर उनसे और पूछें तो यही कहेंगे कि मुझे कहीं चाहे टूटी फूटी झुग्गी ही हो लेकिन एक छत मिल जाए, एक चप्पल, एक जोड़ी कपड़ा मिल जाए, उससे मैं निवारण कर लूँगा और उससे आगे बढ़ें तो यही कहेंगे कि हमारे बच्चे जिनकी एजुकेशन, जिनकी शिक्षा सही नहीं मिल रही है, मेरे पास औकात नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, वहां पे बच्चे को कुछ ज्ञान नहीं मिलता, उन्हें जो है प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई हो जाए, उसका फ्री में पढ़ाई हो जाए, कोई पैसा खर्च कर दे, सरकार कर दे या कोई भी कर दे, तो उनकी एक चाहत बनी रहती है थोड़ा पैसा, एक सर छुपाने के लिए छत और बच्चों के शिक्षा मुफ्त मिल जाए। थोड़ा और आगे बढ़े तो स्वास्थ्य भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ की अव्यवस्था, वहाँ की गंदगी, वहाँ की लूट खसोट उन्हें और दम तोड़ने के लिए विवश कर देता है, तो वो यही चाहते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चों का, परिवार का इलाज हो जाए और उसका पैसा भी सरकार या कोई और वहन कर दे। यही सब गरीबों की मांग छोटी छोटी होती है लेकिन वो मांग पूरा कैसे हो, चूंकि उनके बीच से कोई जनप्रतिनिधि नहीं होता, जो जनप्रतिनिधि बनने की कोशिश करते हैं वो आस्तीन की सांप बन करके उन्हें डसते रहते हैं, उन्हें लूटते रहते हैं, उन्हीं के पैसे छीन छीन कर करके 1-2% आगे बढ़ कर करके वो स्वर्णों और जो 10% हैं उनके हिस्से बन जाते हैं। आरक्षण की मांग, ये बेतुकी बहुत सारी मांगे पे धरना प्रदर्शन आंदोलन होता रहता है, छात्रों को भी पीसा जाता है, छात्रों को भी बेवकूफ बनाया जाता है, नीट हो या अन्य प्रेस्टिजियस एग्जाम हो, आईएएस का हो या आईपीएस का हो, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, सभी जगह चोरी चकारी होता है, पेपर लीक होता है और उस हालत में न्यायपालिका गुटुरगो अंग्रेजी में करता है, वो भी सुनता नहीं, नोटिफिकेशन होता है, बहुत सारे केस का बोझ का हवाला देता है और कहीं ना कहीं वो भी आस्तीन का सांप बन कर करके गरीबों को डसता है, क्योंकि न्यायपालिका गरीबों का नहीं है, वो पैसों वालों का है, वहाँ गुटुरगु अंग्रेजी करने वालों का है और वो सब मिलकर करके चाहे विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे हमारा सिक्योरिटी हो, चाहे एनजीओ संस्थाएं हो, चाहे मीडिया हो, ये सब के सब उल्टी रीत को लेकर करके जहाँ से वो निकलते हैं अपने अस्तित्व को भूल करके, अपने गांव खलिहान को भूल कर करके, अपने पिता, अपने माता, अपने भाई, अपने परिवेश को भूल कर करके वो चकाचौंध की जिंदगी को जीना चाहते हैं, वो एसी में रहना चाहते हैं, वो जो है कहीं भी मिट्टी में, कहीं भी तकलीफ वाली जिंदगी में जीना उन्हें मंजूर नहीं। और ऐसी सूरत में हमें और आपको जो लूटने वाले लोग हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, जो हमारे उल्टी रीत को निभाने वाले लोग हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमारे ही हिस्से हैं, मनुष्य का ही हिस्सा है, वो परिवार का ही एक हिस्सा है,
लेकिन उनको सद्बुद्धि कब आएगा ये हमें समझ में नहीं आता। ऐसी सूरत में मानवता का अलग जगाने के लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन 37 वर्षों से आपके लिए काम कर रहा है, भारत के हर गली मोहल्ले में आपको जागरूक कर रहा है, आपको अवेयरनेस दे रहा है कि आप अपने हक अधिकार को समझें, अपने संस्कृति को समझें, अपने देश को समझें, अपने समाज को समझें, अपने भाई बंधुत्व को समझें, अपने सौहार्द को बना करके अपने जो विभिन्नता का एकता का देश है उसमें आप खुश रहें। इसके लिए हम लोग काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास जो सवाल आते हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, हमें रोटी कहाँ से मिलेगा, हमें दो पैसा कहाँ से मिलेगा, बस यही हमें चूकता है। इन्हीं के बीच में हम कहीं ना कहीं फंसे हुए महसूस करते हैं। सबको रोटी चाहिए, सबको पैसा चाहिए, और इसका हमें खामियाजा जब हम लोकतंत्र को बचाने के लिए जब हमारा चुनाव आता है तो उस वक्त जो चतुर चलाक लोमड़ी के लोग हैं, जो बहुत ही साथी होते हैं, वो चंद पैसे दे कर करके मुर्गी या शराब की बोतलें दे कर करके हमारे गरीबों को खरीद देते हैं, क्योंकि गरीब को तो सिर्फ थोड़ा सा पैसा चाहिए, थोड़ा सा उन्हें इत्मीनान चाहिए, जो उनको शराब की भूख से उनको इत्मीनान मिलता है तो वो उसी में बिक जाते हैं। रही बात कि कोई जीतता है कोई हारता है, कई बार बराबरी हो जाता है, तो वो कहते हैं कि इस तरह का चुनाव हर साल होता रहे, हर दिन होता रहे, कुछ पैसा मिलता रहे, कुछ शराब की बोतल मिलता रहे, कौन जीतता है कौन हारता है उससे मुझे मतलब नहीं। और हमारे बीच में हमारे ही समुदाय के लोग, हमारे ही जात के लोग, हमारे ही धर्म के लोग, हमें ही बीच में पलने और बसने वाले लोग आज दिन के साफ बन कर करके डसते रहते हैं। ये उल्टी रीत चलता रहता है। इसे खत्म करने के लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसने सोचा कि अगर ये 12 कॉर्पोरेट पार्टियां को खत्म कर दिया जाए, इसको नस्तानाबूद कर दिया जाए, इनको इनके पास जो चल अचल संपत्तियां जो भारत की 95% से ज़्यादा ये 12 कॉर्पोरेट पार्टियों के पास है, इनके सारे धन दौलत छीन लिया जाए, इनको जमीन पिलाया जाए, तो हमारे जो गरीब को जो पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए, छत चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ये सब बराबरी की तरह हमारे संविधान की समानता की अधिकार का आर्टिकल 14 से 18 और 19 और 21 का अगर हम अपने प्रेम्बल का, अगर हम अपने मौलिक अधिकार का ही अगर सही ढंग से पालन कर लें तो हम सब खुशी और चैन की जीत की सांस ले सकते हैं। हम लोग जो है भारत को अव्वल और समृद्ध बना सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि 12 कॉर्पोरेट पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, इन्हें हराना होगा और अहरा नेशनल पार्टी को स्थापित करना होगा, अहरा नेशनल पार्टी एनपी को लाना होगा। एनपी के लिए जो समझदार लोग हैं, युवा लोग हैं, जो लोभी लोग नहीं हैं, जो इधर उधर पार्टियों में अपना जगह ढूंढते हैं, उनको कुछ जगह नहीं मिलता, कहीं ना कहीं वो आस्तीन का सांप या उल्टी रीत लेकर के चल रहे हैं। उन्हें सोचना और समझना होगा, मानवीय मूल्यों को समझना होगा, इंसानियत को समझना होगा, ह्यूमनिटी को समझना होगा, और ये नस्वर शरीर जो खत्म हो जाएगा इस पे जो अहम और ये जो हेकड़ी लेके चलते हैं इन्हें हटाना होगा। और इसके लिए आप सबका स्वागत है। डॉक्टर दुआ आपको निमंत्रण देना चाहता है, आइए हम सब मिलकर करके एक नया सवेरा लाएं, एक नया भारत को निर्माण करें, हर राज्य को समृद्ध करें, हर नौजवानों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पूरा का पूरा मिले, एजुकेशन पूरा मिले, और जो लोग अनपढ़ और गवार बना रहना चाहते हैं, जो लोग मुफ्त में रोटियां तोड़ना चाहते हैं, उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। और ये तमाम लोग जो हमें लूटा है
उसकी तमाम चलाचल संपत्ति हमें छीनना होगा और उसके लिए आइए अहरा नेशनल पार्टी आपका इंतजार कर रहा है। इसका पता है U137 गली नंबर 3 नजदीक लक्ष्मी नगर मेट्रो गेट नंबर 4 सकरपुर दिल्ली 92। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9213493068 और दूसरा नंबर है 9313125531 और तीसरा नंबर है 9910636345। हमारे ईमेल है ahraduwa@gmail.com ahraduwa1@gmail.com और वेबसाइट है ahra.org.in और np.org.in। इस पे जाकर के जानकारी लें और अपने समाज को देश को बेहतर बनाने के लिए अहरा के साथ आए और 12 कॉर्पोरेट पार्टियों को ध्वस्त करें। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे। आपका डॉक्टर दुआ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।